भीलवाड़ा जिले में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया मजदूर की छाती पर बड़ा पत्थर फेंककर हत्या की गई थी। पत्नी से अवैध संबंध के शक में वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की टीम ने ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखें पूरा मामला। ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, पत्नी से अवैध संबंध के शक में दिया वारदात को अंजाम। आरोपी के खिलाफ लूट सहित दो मामले दर्ज। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पकड़ा गया आरोपी। भीलवाड़ा शहर के सुखाड़िया नगर में एक कारीगर की सीने पर पत्थर मारकर हत्या करने वाला आरोपित पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी सलामुद्दीन उर्फ कालू शंभूगढ़ थाने के अंटाली गांव का रहने वाला है, जो अभी सुखाड़िया नगर में पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास रह रहा था। सदर थाना पुलिस का कहना है कि आरोपी को अपनी पत्नी के मृतक के साथ अवैध संबंध होने का शक था और इसी के चलते उसने इस कत्ल को अंजाम दिया। सदर थाना पुलिस ने बताया कि सुखाड़िया नगर में ठेकेदार के पास कारीगरी करने वाले एक युवक की बुधवार सुबह झोपड़ में लाश पड़ी मिली। कारीगर की किसी ने सीने पर पत्थर मार कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव की पहचान प्रतापगढ़ जिले के केला मेला गांव निवासी हकरू के रूप में की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामला रात्रि को टेलीफोन से हमारे को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की कोई पत्थर मार के हत्या कर दी गई। मैं मौके पे पूछा, उसके परिजन जो यहाँ मजदूरी करता है, प्रतापगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है, जिसका नाम हरकुशनोब चमनलाल, जाति भीलमेणा, उम्र करीब 38 साल, तो यह मजदूरी करता था। मजदूरी के दौरान वहीं चौकीदारी करता था। रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति आया, जिसने उसकी छाती पे पत्थर फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु होना बता रहे थे परिजन। अभी उसकी बॉडी को लेकर रात को जमा करा दी थी MGH हॉस्पिटल में और अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। क्या लग रही, कोई लूटपाट का इरादा था या क्या? नहीं, वो तो मजदूर था, आपस के रंजिश जैसा सामने आ रहा है, बाकी तफ्तीश कर रहे हैं, तफ्तीश का विषय है। मृतक के भाई रंगजी निनामा की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। हकरू एक माह से ठेकेदार के अधीन कारीगरी कर रहा था। ASP चंचल मिश्रा के निर्देश पर DSP सदर योगेश शर्मा के निकटतम सुपरविजन में टीम गठित की गई। गठित टीम ने घटना के आसपास CCTV कैमरे की फुटेज खंगाल कर तकनीकी सहायता और परंपरागत पुलिसिंग अपनाकर आरोपी सलामुद्दीन को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने वारदात का पता चलने के कुछ ही घंटे बाद ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया। पुलिस पूछताछ और तफ्तीश में सामने आया कि आरोपी को अपनी पत्नी के हकरू से अवैध संबंध होने का शक था और इसी के चलते उसने योजनाबद्ध तरीके से देर रात सो रहे हकरू पर बड़ा पत्थर छाती पर फेंक दिया, जिससे हकरू की मौत हो गई। और पुलिस का कहना है कि आरोपित सलामुद्दीन उर्फ कालू के खिलाफ पूर्व में शंभूगढ़ थाने में लूट सहित दो मामले दर्ज है। ये मामला वर्ष 2011 में दर्ज हुआ था। राजधानी में करधनी इलाके में मस्जिद के अंदर आग लगाने का मामला सामने आया है। खबर है कि पहले मस्जिद के बाहर बने एक कैमरे के CCTV को तोड़ा गया और फिर अंदर रखे सामान में आग लगा दी गई। वहीं घटना के बाद इलाके में विवाद बढ़ गया है। बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर जमा हो गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें पूरी रिपोर्ट। असामाजिक तत्वों ने मस्जिद में लगा दी आग। सुबह लोगों ने आग पर पाया काबू। मौके पर लोगों में भारी रोष। पुलिस ने संभाला मोर्चा। कुछ असामाजिक तत्वों ने देर रात एक मस्जिद में आग लगा दी। जब सुबह लोग घर से निकले तो उन्होंने आग को देखा। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष के धार्मिक संस्थान मस्जिद में भी आग लगा दी और अंदर रखा सारा सामान आग के हवाले कर दिया। राजधानी में ऐसी हिंसक घटनाएं थम नहीं रही। इससे पहले भी जौहरी बाजार में समुदाय विशेष के अपशब्द कहने और खिलाफ नारेबाजी का मामला सामने आया।
इसके दो दिन बाद ही एमआई रोड पर पैगंबर साहब के खिलाफ गलत बयानबाजी का मामला थमा नहीं था कि अब कुछ असामाजिक तत्वों ने देर रात मस्जिद में आग लगा दी। जब अल सुबह लोग नमाज पढ़ने पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी लगी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर बनी हुई है। घटना करदनी थाना क्षेत्र के खोरा बीसल स्थित मस्जिद में देर रात का है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग कैसे लगी, किसने लगाई, फिलहाल ये बता पाना मुश्किल है। वहीं एक समुदाय विशेष के धार्मिक संस्थान पर भी आग के काले धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि वहां भी आग लगाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि फिलहाल मस्जिद में कोई रहता नहीं था, इसलिए किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें, करधनी इलाके स्थित मस्जिद में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई। इस कुकृत्य को छिपाने के लिए मस्जिद में लगे कैमरे को तोड़ दिया गया और कैमरे का DVR को जला दिया गया। मस्जिद में बने कमरे में भी आग लगा दी गई, जिससे नमाज पढ़ने वाली सारी जान माजी जल गई। उसी कमरे में रखी कुरान शरीफ पेटी में रखी होने से बच गई। मामले को लेकर मुस्लिम परिषद संस्थान ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है और बताया कि सारा मामला जिस प्रकार अंजाम दिया गया, ये पूर्णतः पूर्व नियोजित साजिश है। ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर समाज कंटक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का प्रयास कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए इस घटना को अंजाम देने वाले असामाजिक गुंडा तत्वों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तुरंत गिरफ्तार कर कार्यवाही करें और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। भीलवाड़ा के दो कांस्टेबल्स पर फायरिंग के हत्या के मामले में अजमेर पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस के एक 25,000 के फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे भीलवाड़ा पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। दो दिन पूर्व भी अजमेर जिला पुलिस ने मामले में एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखें पूरी रिपोर्ट। दो सिपाहियों को गोली मारने का आरोपी गिरफ्तार। दो दिन पहले एक आरोपी हुआ था गिरफ्तार। तस्करों का पीछा कर रहे थे दोनों जवान, कर दी थी हत्या। पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ। अजमेर जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा जिले के दो पुलिस कांस्टेबल को मौत के घाट उतारने के मामले में फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि रामगंज थाना अधिकारी सुरजीत सिंह ठोलिया और मांगलियावास थाना अधिकारी सुनील टाडा ने तबीजी के पास से 25,000 रुपए के इनामी बदमाश जोधपुर के फलौदी निवासी सुरेश बिश्नोई को धर दबोचा। आरोपी सुरेश ने मुख्य आरोपियों को भगाने में और फरारी में अहम भूमिका निभाई थी। आरोपी पिछले लंबे समय से फरार चल रहा था। आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। दो दिन पूर्व भी 25,000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया था। अजमेर पुलिस के द्वारा पिछले 3 दिनों में ये इनामी बदमाश की दूसरी बड़ी गिरफ्तारी हुई है। 3 दिन पहले विक्रम सारण को, जो 25,000 का इनामी था भीलवाड़ा पुलिस का, उसको मांगलियावास SHO और उसकी टीम ने अरेस्ट किया था। आज उसी मुकदमे के अंदर, जो 21/4/2021 का जो मुकदमा था भीलवाड़ा के कोटड़ी के अंदर, जिसमें पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करके उनके हत्या के आरोपी जो सुरेश बिश्नोई है, उसको आज मांगलियावास SHO और सुरजीत ठोलिया और उनकी टीम ने अरेस्ट किया है। अजमेर पुलिस ने जोधपुर के सुरेश बिश्नोई को जोधपुर से जयपुर प्राइवेट बस में जाते समय तबीजी से गिरफ्तार किया। सुरेश बिश्नोई 10 अप्रैल 2021 को भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना क्षेत्र में की गई सिपाही ओंकार स्वयंका और पवन कुमार की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी है। पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे तस्करों का पीछा कर रही थी। भीलवाड़ा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की और 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सुरेश बिश्नोई लगातार फरार चल रहा था। IG अजमेर रेंज के निर्देश पर मांगलियावास थाने के सब इंस्पेक्टर सुनील ताडा पर रामगंज थाने के सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह समेत 5 लोगों की स्पेशल टीम बनाई गई, जिसने शुक्रवार सुबह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को मामले का खुलासा SP चूनाराम जाट के द्वारा किया गया। SP जाट ने बताया कि आरोपी को भीलवाड़ा पुलिस के सुपुत्र किया जाएगा। अजमेर जिला पुलिस ने दो दिन पूर्व भी 25,000 के नामी बदमाश आरोपी विक्रम सहारण उर्फ विक्की को चोखा गांव से गिरफ्तार किया था, जिसे भीलवाड़ा पुलिस के सुपुत्र कर दिया गया है।
खबर अलवर से है, जहां पुलिस ने तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 गोवंशों को तस्करी के चुंगल से मुक्त कराया। पुलिस ने बगड़ घाटी में घेराबंदी कर गोवंशों से भरा हुआ एक मिनी ट्रक पकड़ा है। पुलिस को सूचना मिली कि तस्कर गायों को लेकर मीना गांव की तरफ जा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर तस्कर मौके से फरार हो गए। देखें पूरा मामला। प्रदेश में धड़ल्ले से हो रही गौ तस्करी। पुलिस ने घेराबंदी कर 11 गौवंशों को कराया मुक्त। गायों को छोड़ मौके से फरार हुए तस्कर। तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस। प्रदेश में लगातार गौ तस्करी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज प्रदेश में गौ तस्करी के 2 मामले सामने आए। एक मामला दौसा के बांदीकुई से सामने आया, जहां आभानेरी रोड पर एक कंटेनर में दर्जनों गाय मिली। गुलर चौराहा से आभानेरी के बीच एक ट्रक खड़ा मिला, जिसमें गाय भरी हुई थी और मौके से ड्राइवर और खलासी दोनों फरार थे। वहीं दूसरा मामला अलवर के बगड़ घाटी में देखने को मिला, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर 11 गौवंश से भरा एक ट्रक पकड़ा। पुलिस ने गायों को सुधा सागर गौशाला भिजवा दिया है। इधर पुलिस ने गौ तस्करों की लंबे समय तक तलाश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण आरोपियों का पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस ने गौवंश को सुरक्षित गौशाला भिजवाया और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को लोगों के जरिए सूचना मिली कि बगड़ घाटी के जंगलों के रास्ते एक पिकअप वाहन में गौवंश को भरकर ले जाया जा रहा है, जिसके बाद वाहन को घेराबंदी कर रोका गया और इस वाहन में कुल 11 गौवंश को नीचे उतारा गया। हालांकि इस दौरान उसी रास्ते एक और पिकअप वाहन में भी गौ तस्करी की जा रही थी, जो वहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ। पुलिस ने बताया कि पशु बाजार बंद होने से तस्कर सक्रिय हैं और लगातार गौ तस्करी की जा रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को भी तस्करी को रोकने के लिए नाकेबंदी की जानी चाहिए, वाहनों की जांच की जानी चाहिए। फिलहाल गौ तस्करों के खिलाफ परपा थाना में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग पुलिस प्रशासन से की गई है, ताकि बस्तर में गौ तस्करी के मामले बंद हो सके। सीकर जिले के लोसल कस्बे में एक महिला के साथ मारपीट कर उसके बाल काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस घटने में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग को लेकर पीड़िता के परिवार वालों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। परिजनों का आरोप है कि महिला को अभी भी बंधक बना के रखा हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें ये रिपोर्ट। सास ने बहू के बाल काटे, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मां का आरोप, महिलाओं ने मारपीट की। पीड़िता ने एसपी को दी शिकायत। सीकर के लोसल इलाके में सास ने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर अपनी बहू के बाल काट दिए। इतना ही नहीं, इसका वीडियो भी बनाया गया। पीड़ित महिला ने शुक्रवार को एसपी ऑफिस में शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। विवाहिता की मां ने एसपी को शिकायत में बताया कि उनकी बेटी का ससुराल लोसल में है। 8 जून को उनकी बेटी के साथ उनकी सास और अन्य महिलाओं ने पहले मारपीट की, फिर जबरदस्ती उसके बाल काट दिए। वह चिल्लाती रही, लेकिन उसे किसी ने नहीं छुड़ाया। घटना के दौरान 2 लड़के भी मौजूद थे। इन लोगों ने बाल काटने के दौरान एक वीडियो भी बनाया, जो अब व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है। हमारी मांग है कि मामला दर्ज कर जांच डिप्टी लेवल ऑफिसर से करवाई जाए। वही मामले को लेकर सांसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सवाई मान सिंह मालावत ने बताया कि महिला के साथ बेरहमी से मारपीट हुई और उसके बाल काटे गए। इस घटना के बाद समाज में जहां आक्रोश है, तो वहीं पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है। घटना कल की है, लोसल कस्बे में इस घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़िता की मां ने बताया कि कई दिनों से उसकी बेटी को परेशान किया जा रहा है। लोसल का मायने है, वो मेरी लड़की के क्या काट घटना करी है, साथ में मेरे को कोई मालूम नहीं है। ऐसे झगड़ा करके मेरी नोड़ती छीता ने, कल्लो ने, अजय ने, संजय ने मिलके
और मेरी लड़की की सोटा काट दिया, मेरे को कोई मालूम नहीं है। मेरे को सुबह मालूम पड़ा, सवेरे मेरे को एक वीडियो कॉल में देखी जब मालूम पड़ा। अभी मेरी लड़की को कमरे के अंदर जड़ी हुई है, उसको और भी मारने का खतरा। पीड़िता की माँ ने उसकी सास, देवर, जेठानी सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों पर मारपीट कर बाल काटने पर बंधक बनाने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। कल मेरे को ये वीडियो एक वायरल हो रहा था, उसमें मैंने देखा कि एक लड़की जिसके बाल काटे जा रहे हैं उसके साथ मारपीट की जा रही है। वो देख के मैंने फिर शाम को लोगों से संपर्क किया तो मेरे को पता चला कि वो लोसल की लड़की है, सुनीता नाम है उस लड़की का, जिसके बाल काटे गए हैं, उसके साथ मारपीट की गई है। और बड़ी खाटू है नागौर ज़िले में डिडवाना के आगे, तो वहाँ की वो लड़की रहने वाली है, उसका पीर है। उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की है, उसकी सासू ने की है, उसकी आखिर सासू ने की है, उसके देवर हैं दो तीन, उन्होंने उसके साथ मारपीट की। और मैं सामाजिक रूप से राजस्थान समाज की ओर से प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से अलमानी एस पी साहब को ज्ञापन दे रहा हूँ, इस मामले में जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। आपको बता दें कि मामले में लोसल थाना अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया था। बहू अपनी सास के साथ रहने को तैयार थी, वहीं सास ने भी बहू को अपने साथ रखने की बात कही। इस मामले में बहू के पीहर पक्ष को भी अवगत कराया गया, लेकिन वह थाने नहीं पहुँचे। जो भी रिपोर्ट होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रतनगढ़ में मानवता को शर्मसार और रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक पोते ने रिश्ते में अपनी दादी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित वृद्धा मानसिक रोगी बताई गई है। घटना की जानकारी जिसको भी लगी वो सन्न रह गए। देखें पूरा मामला। बूढ़ी दादी पर खराब हुई पोते की नियत, घर में अकेले पाकर किया बलात्कार। 70 वर्षीय पीड़िता मानसिक रोगी रिश्ते की दादी को जगह जगह से काट खाया। रतनगढ़ इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक गांव की 70 वर्षीय वृद्धा के साथ उसी के परिवार में एक पोते ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 70 वर्षीय पीड़िता मानसिक रोगी बताई जा रही है। रतनगढ़ तहसील के एक गांव का यह पूरा मामला है। परिवार के सभी लोग शादी में गए हुए थे, घर में 70 वर्षीय पीड़िता अकेली थी। 70 वर्षीय वृद्धा को रात में घर में अकेला पाकर पोते की नियत खराब हो गई। वह घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे गया। दुष्कर्म ही नहीं, वह हवस में इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी दादी को जगह जगह से काट खाया, जिससे उसकी दादी के चेहरे और शरीर पर दांतों के निशान लग गए। पीड़िता चिल्लाने लगी। रतनगढ़ सीआई सुभाष बिजानिया ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया गया कि 7 जून को उसके परिवार में शादी थी। परिवार के लोग शादी में गए हुए थे, घर में बुजुर्ग माँ अकेली थी। तभी देर रात परिवार में भतीजा लगने वाला युवक घर में घुस गया और बुजुर्ग महिला से बलात्कार किया। उसने बुजुर्ग के गाल और शरीर पर कई जगह दांतों से काट भी लिया। पीड़िता के कराहने की आवाज जब आसपास के लोगों ने सुनी तो वो लोग दौड़कर रात को 1:30 बजे पीड़िता के घर पहुंचे, जहां से आरोपी पोता मुकेश उर्फ टोडाराम भागता हुआ नजर आया। इस संबंध में 70 वर्षीय पीड़िता के बेटे ने रतनगढ़ पुलिस थाने में अपने ही परिवार के युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इधर रतनगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने शुक्रवार दोपहर रतनगढ़ सरकारी अस्पताल में बुजुर्ग महिला का मेडिकल करवाया और अब पीड़िता के बयान लिए जाएंगे।